Assalamu alaikum, dear fellows. My name is Kavish Topla. I read in class 9 at Budair Mother School Rega. I am become a good doctor in the future. Today is my presentation topic is theorem 12.1 in class 9th maths book. So I will start it to in Urdu because you will understand easily. Statement hame diya gaya any point on the right bisector of the line segment equidistant from its end point. हम इस स्टेटमेंट में दिया गया है कि एक लाइन सेगमेंट हमें ले ली है और फिर उसके ऊपर एक राइट बाइसेक्टर खींचना है और हमें प्रूफ करना है कि ये इक्विडिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस दोनों एक दूसरे के कांग्रुएंट हैं। तो हम फिगर जब बनाते हैं तो स्टेटमेंट से ही हम उसको लेते हैं, जिस तरह यहाँ पर हमें बताया गया था लाइन सेगमेंट ले लो, बाइसेक्टर खींच लो, तो हमें स्टेटमेंट से ही सब फिगर बनाया। अब हमें गिवन क्या दिया गया है, यहाँ पर हमने ले लिया एल एम, ये जो साइन है ये परपेंडिकुलर का साइन है, एल एम परपेंडिकुलर है ए बी को। और दूसरा गिवन सेकंड पॉइंट हमें बताया गया है कि ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट इक्वल है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, पी ए एस कांग्रुएंट टू पी बी, यानी ये डिस्टेंस जो है वो इक्वल है इस डिस्टेंस के। कंस्ट्रक्शन हम इसमें कर लेते हैं क्योंकि कंस्ट्रक्शन हमें बस सिंपल फिगर दिया गया था, कंस्ट्रक्शन में इसमें फिगर में कुछ कमी थी, हम उसको पूरा करने के लिए कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो जॉइन पी विद ए एंड बी, हमने पी पॉइंट को ए और बी के साथ मिला दिया है, उसको जॉइन कर दिया है। अब हम आते हैं प्रूफ की तरह, हम इसको प्रूफ किस तरह करेंगे। स्टेटमेंट एंड रीजन, हमने दो ट्राइंगल ले लिए हैं जिस तरह पी ए सी पी सी बी, हमने इसको करिस्पॉन्डिंग साबित करना है, हमने इसको, तो हम करिस्पॉन्डिंग किस तरह साबित करेंगे, हम करिस्पॉन्डिंग साबित करने के कुछ शराइत होते हैं, जिस तरह साइड एंगल साइड हम लेते हैं, साइड 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 लेते हैं, एंगल एंगल साइड ले लेते हैं, तो उससे हम करिस्पॉन्डिंग, लेकिन यहाँ पर हम साइड एंगल साइड लेंगे। जिस तरह हमने ए सी ले लिया पहले और बी सी ले लिया, तो ये हमें गिवन में दिया गया है, ये हमने पहले इसलिए लिया है क्योंकि ये गिवन में दिया गया है। फिर हमने ले लिया एंगल वन और एंगल टू क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल है, मैंने आपको बताया अल्टरनेटिव एंगल एक्सटीरियर और इंटीरियर होता है, जब ये हम दोनों ले ले तो उससे अल्टरनेटिव एंगल बनता है। फिर हमने पी सी और पी सी ले लिया तो ये दोनों कॉमन है। अब ट्राइंगल पी ए सी, ये कांग्रुएंट साबित हो गया है पी सी बी क्योंकि साइड एंगल साइड और साइड एंगल साइड के साथ हमने इसको प्रूफ कर दिया है। जिस तरह देख सकते हैं ये है साइड, ये है एंगल, ये है साइड, ये है साइड, ये है एंगल, ये है साइड, तो दोनों तरफ साइड एंगल साइड के साथ प्रूफ हो गया है। तो जब ट्राइंगल कांग्रुएंट साबित हो गए तो उससे तो साफ जाहिर हो गया कि जब दो फिगर हम कांग्रुएंट साबित कर रहे हैं तो उसका हर हिस्सा एक दूसरे के साथ कांग्रुएंट होता है, एक दूसरे का साथ इक्वल होता है। जिस तरह हमने ये दो ट्राइंगल ले लिए हैं तो इसका ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा और ये साइड इसके साइड के साथ बराबर होगा क्योंकि हमने ट्राइंगल को कांग्रुएंट साबित कर दिया है। तो पी ए इज कांग्रुएंट टू पी बी, हेंस प्रूफ हो गया है। So any questions about this topic? Questions? Please stand up. What is importance of theorem? Importance of theorem. Importance theorem के बहुत सारे importance है क्योंकि हमें यहाँ पर figure दिया गया था, हमें तो मालूम नहीं था कि इसका ये distance इसके बराबर है कि नहीं है, तो हमने उसे side angle side के साथ proof किया, यही theorem के importance है। Anyone other? What is theorem? थ्योरम द कम्बाइनेशन ऑफ एक्सियम एंड पास्टुलेट इज कॉल्ड थ्योरम। एक्सियम क्या होता है और पास्टुलेट क्या होता है, जब हम सजेशन लेते हैं एंगल के लिहाज से, फॉर एग्जाम्पल नंबर के लिहाज से, तो उसे हम एक्सियम कहते हैं, और जब हम सजेशन लेते हैं फिगर के लिहाज से तो उसे हम पास्टुलेट कहते हैं। सो एनी अदर क्वेश्चन? अगर थ्री साइड सेम आ जाए तो फिर इसका एंगल फाइंड होगा, हमें तो एंगल फाइंड करना नहीं है, हमें तो यहाँ पर गिवन दिया गया है कि पी ए और पी बी फाइंड करना है ये डिस्टेंस, तो फिर एंगल फाइंड होगा। फिर ये अलग ही थ्योरम होगा ना, फिर थ्योरम इस तरह होगा, अगर थ्री साइड हम लेंगे तो फिर प्रूफ में एंगल आपने साबित करना होगा।
Any other? Thank you. Any other questions? No. Thank you so much. Thank you so much.